सलमान खान और विवेक ओबेरॉय के बीच की दुश्मनी काफी पुरानी है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। दोनों का झगड़ा तब शुरू हुआ था जब सलमान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या विवेक के करीब आ गई थी। हालांकि बाद में ऐश्वर्या ने विवेक को इमैच्योर बताते हुए अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विवेक ओबेरॉय का दर्द देख बार फिर छलक उठा। उन्होंने कहा कि अब तो वो सलमान खान का नाम लेने से भी बचते हैं। सलमान को लेकर और क्या बोले विवेक। विवेक ने कहा कि सलमान से झगड़े के बाद ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मेरे खिलाफ फतवा जारी कर दिया हो। हिट फिल्में देने के बावजूद मुझे कोई काम देने को तैयार नहीं था। मेरी पर्सनल लाइफ तहस नहस हो चुकी थी। मैं किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। फिल्म शूट आउट एट लोखंड वाला हिट थी, लेकिन बावजूद इसके मैं इसके बाद घर पर बैठा था। बता दें कि हाल ही में रिलीज हुई तमिल फिल्म विवेगम में विवेक ओबेरॉय ने नेगेटिव रोल प्ले किया, जिसकी काफी तारीफ हुई है। ऐसे शुरू हुआ सलमान विवेक का झगड़ा। सलमान और ऐश्वर्या का अफेयर 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम से शुरू हुआ और 2001 तक चला। इसके बाद सलमान के वायलेंट बिहेवियर की वजह से ऐश्वर्या ने उनसे दूरी बना ली और विवेक के करीब आई। ऐश और विवेक ने फिल्म क्यों हो गया ना में काम किया और एक दूसरे के करीब आ गए। कहा जाता है कि ऐश्वर्या के 30वें बर्थडे पर विवेक ने उन्हें 30 गिफ्ट दिए थे। ऐश्वर्या के साथ विवेक की नजदीकी सलमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें नशे की हालत में फोन कर जान से मारने की धमकी दे डाली, और इस तरह विवेक से भी दूर हो गई ऐश्वर्या। वैसे ऐश्वर्या ने कभी खुलकर ये कबूल नहीं किया कि वो विवेक के साथ रिलेशन में है, लेकिन हर फंक्शन में दोनों साथ दिखते थे। विवेक चाहते थे कि वो सलमान से धोखा खा चुकी ऐश्वर्या के हमेशा साथ रहें। एक बार 2003 में विवेक ने होटल के कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि मेरे और ऐश्वर्या के साथ आने के बाद सलमान की ओर से उन्हें जान से मार दिए जाने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। सलमान ने रात में नशे की हालत में मुझे 41 बार फोन किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ऐश्वर्या ने विवेक को इमैच्योर बताते हुए खुद ही उनसे पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि वो किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती थी। ऐश्वर्या ने विवेक को अवॉइड करना शुरू कर दिया। विवेक ने ऐश्वर्या को कहा था प्लास्टिक ऐश। एक इंटरव्यू के दौरान विवेक ने ऐश्वर्या को प्लास्टिक ऐश कहा था। यहां तक कि उन्होंने ऐश्वर्या को प्लास्टिक हार्ट और प्लास्टिक स्माइल बताते हुए कहा था कि आजकल बॉलीवुड में काफी प्लास्टिक है। विवेक ने मानी थी अपनी गलती। विवेक ने फराह के टॉक शो में कबूल किया था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने गलती की है। यहां तक कि उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसी चीजें कह दी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। जब अवार्ड फंक्शन में उड़ा विवेक का मजाक। विवेक के मुताबिक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हर अवार्ड फंक्शन में मेरा मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि एक अवार्ड फंक्शन से मुझे लेटर मिला कि आप फिल्म कंपनी के लिए ये अवार्ड जीत चुके हैं। हालांकि कुछ ही देर बाद मुझसे कहा गया कि आप अवार्ड फंक्शन में ना आए, और फिर वो अवार्ड किसी और एक्टर को दे दिया गया।